अंदर आने को नहीं कहोगी? कुछ भी नहीं बचा है और खाली घर में मेहमान को नहीं बुलाया। मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है आपने। दादा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। मैं हर किस ऐसा नहीं करना चाहता था। हाथ जोड़ कर तुमसे विनती करता हूं कि घर लौट आओ। सब यहां तुम्हारे सिवा मेरी किसे जरूरत है? मुझे राधा, मुझे अगर आपको मेरी जरूरत है तो आप सालों पहले जुर्म की दुनिया को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। राधा, मैं तुमसे कह चुका हूं कि ये नहीं हो सकता। तो मैं भी आपको बता रही हूं, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। सिर्फ बात करो राधा। आज आ ही गए इसलिए एक बात और कहना चाहती हूं। इन 20 सालों में प्रिया ने मुझसे कुछ भी सीखा है तो वो आपका घर छोड़कर मेरे पास वापस आएगी। राधा, मैं मानता हूं तुमने प्रिया को बहुत कुछ सिखाया है, अच्छी परवरिश की है तुमने, लेकिन कहीं तुम ये भूल गई कि वो मेरा भी एक अंश है, मेरा भी कुछ हिस्सा है उसमें। और ये हकीकत है राधा, हकीकत कुछ और होती है राधा, जिसकी पैदाइश जिंदगी की जरूरतों से होती है और जिंदगी के इस मोड़ पर उसे वो सब मैं ही दे सकता हूं। राधा, प्रिया के घर लौटने की खुशी में एक जश्न है, कल दावत है। घर आने का अच्छा बहाना दे रहा हूं तुम्हें। लेकिन भाभी, जैसे उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे भैया एकदम से पिघल गए। फिर मैंने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, ऐसे 4-5 इमोशनल डायलॉग मारे कि भैया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। सच भाभी, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। फिर बेचारे बहुत शर्मा गए, मेरी तरफ पीट कर ली और बोले कि अब तू जा यहां से। मैं बहुत खुश हूँ प्रिया। भाभी, आप बहुत लकी हैं, भैया दिल के बहुत अच्छे हैं। अच्छा तू ये सब छोड़, तू ये बता कि तूने डिसाइड किया तू पार्टी में पहनने क्या वाली है? हाँ भाभी, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए ना। ये कैसा है? हाँ ये वाला, ये अच्छा है, बाकी सब भी अच्छे हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना, क्या पहनूं? तो ऐसा करते हैं, टॉस करते हैं। 20 नए सलवार हैं, 10 सिक्के लगेंगे। तो फिर सोचते हैं। सोचिए। ओफो, मैं खुद इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, कई बार तो मुझे खुद मम्मी के पास जाना पड़ता है पूछने के लिए कि मैं क्या पहनूँ। हाँ ये वाला। आप बहुत लकी हैं भाभी, मुझसे भी ज़्यादा लकी हैं। माँ की याद आ गई? हम इतना जरूर कहना चाहेंगे
कि आप हमारे जज्बातों से ना खेलें। हमें डर है तो बस इसी बात का कि तुम्हें क्या लगता है मैं उनमें से हूं जो दो दिन तुम्हें प्यार करके तुम्हें छोड़कर चला जाए। हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो अपने जज्बातों के बारे में बात। हाँ हाँ, तुम्हारे जज्बात हैं और मेरे तो जज्बात ही नहीं है, मैं पत्थर का बना हूं। आप हमें गलत समझ रहे हैं विक्रम, प्लीज। तुम्हें डर किस बात का मानसी है? विक्रम, हम नहीं चाहते कि हम उन लड़कियों में गिनी जाएं जिन्हें विक्रम से हासिल कर चुका है और भुला भी चुका है। हम चाहते हैं कि हमारा प्यार सच्चा हो और हम एक दूसरे के सच्चे हमसफर बने। यही तो मैं भी चाहता हूं। अलग अलग दुनिया से आते हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे विचार अलग हैं। हमें एक दूसरे को समझना होगा, तभी रिश्ता कायम हो सकता है। अभी मुश्किल से तो तुमने माना है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, अब हम इस प्यार को बढ़ने देंगे तभी तो एक दूसरे को समझेंगे। कैसा फर्क? हम 2 साल 3 साल सच में प्यार करते हैं और हमारा दिल ये कहता है कि आप वही हैं जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो हमारे ख्याल में हमें शादी कर लेनी चाहिए। अगर आपका प्यार सच्चा है और आपके इरादे सच्चे हैं तो आपको हमारी इस बात को मंजूर करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। प्यार का क्या है, वो तो शादी के साथ साथ हमारी जिंदगी में आ जाएगा। आप चुप क्यों हैं? बताइए, आपको मंजूर है या नहीं? विक्रम, हम आपकी महबूबा शादी के पहले नहीं, शादी के बाद बनना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि आप अपना जवाब हमें अभी दें, सोच कर बता सकते हैं। सोच लिया मैंने, हम कल मंदिर में शादी करेंगे, कल शाम को। आंटी, आंटी, अरे आंटी कहाँ हो आप? कल आपकी बेटी की शादी है मेरे साथ शाम को, आपको कोई एतराज तो नहीं है? कोई जबरदस्ती नहीं है आंटी, ऐसा मानसी चाहती है। बताओ ना मानसी, मंजूर है या नहीं? हाँ, मंजूर है। बेटे, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, शादियां तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ ही की जाती है ना। तो आपका आशीर्वाद है ना आंटी? मेरा आशीर्वाद तो है ही, लेकिन तुम्हारे घर वालों का? अरे उसकी परवाह आप ना करें, मैं सबका आशीर्वाद लेकर कल शाम मंदिर पहुंच जाऊंगा शाम 8 बजे। आप मानसी को तैयार करके वहां पहुंच जाइएगा, बाकी सारा इंतजाम मैं कर लूंगा। हमारी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई, हम कल मंदिर में जरूर आएंगे। आंटी 8 बजे शाम को मंदिर में कल। माना कि मैं मानसी को प्यार करता हूं, लेकिन साक्षी को इस तरह बिना बताए कदम उठाना, अगर बता भी दिया तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर बाबा
उनका सामना करें। कि मैं इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। विक्रम, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पागल हो गई हो? ये फैसला तुम खुद कैसे कर सकती हो? मैं जिंदा हूं या मर गई? माँ, आप ही ने तो जिंदगी के सारे फैसले लेने की हमें छूट दी थी। शादी के लिए हार करके तो सारे इम्तिहान पास कर लिए। मानसी, तुम जानते हो वो लोग कौन हैं? माँ, क्या आप हमें यकीन से बता सकती हैं कि अगर हम विक्रम से नहीं किसी और से शादी करेंगे तो वो अच्छे होंगे? आपने भी तो शादी की थी, अच्छे घर में, बहुत बड़े घर में, बड़ा खानदान, पढ़े लिखे लोग। क्या हुआ, 3 साल बाद आपकी शादी टूट गई ना? लेकिन मानसी, तुम तो ये जानकर भी शादी कर रही हो कि वो लोग अच्छे नहीं है। माँ, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि विक्रम इतने बुरे नहीं है जितना कि लोग कहते हैं। और फिर हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ तो होती हैं। हम सिर्फ उन अच्छाइयों को देखना चाहते हैं, बुराइयों को नहीं। मेरे ख्याल से तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। तुम्हारा ये फैसला सही नहीं है। माँ, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम विक्रम से प्यार करते हैं। पछताओ। मैंने तुम्हें विक्रम से मिलने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ कहा था ताकि तुम उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालो। लेकिन तुम खुद उसकी जिंदगी का हिस्सा बन रही हो। शायद इसी को तकदीर कहते हैं। मां, कैसे बदल जाए? विक्रम, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम जाओ यहाँ से, अपने काम करो। ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुम मेरे साथ बांट नहीं सकते? अरे, परेशानी खाना है क्या बांटने के लिए? देखो विक्रम, बुजुर्ग कहते हैं कि अगर अपनी मन की बात अपनों से कह दी जाए तो मन हल्का हो जाता है। अगर तुम अपनी परेशानी मेरे साथ बांट लोगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अब तुम इतना जोर लगा ही रही है तो बताना ही पड़ेगा। हैं? हाँ, बताओ ना। देख साक्षी, छोड़ना, पागल हो जाएगी तुम। ओहो, तुम सुनाओ तो सही, बात क्या है? क्या है? इस जिंदगी से एक को कम करना है, मतलब उड़ाना है। उड़ाना समझती हो तुम? देखो विक्रम, तुम वो वाली माथे मेरे साथ मत क्या करो। बैठो तो सुन के जाओ। एक औरत को उड़ाना है। क्या है? मेरा एक बहुत बहुत बड़ा सॉलिड काम और ये उसके बीच में। तो विक्रम, तुम उसे समझाओ दो ना, वो समझ जाएगी, वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। नहीं समझ, समझ जाएगी। नहीं समझेगी वो, थोड़ा नहीं पड़ेगा उसको। विक्रम, तुम्हें मेरी कसम, तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे। अरे, औरतों को कसम दिलाने के सिवा और कुछ आता है क्या? अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे को बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है। देखो विक्रम, जब तक तुम कसम नहीं खाओगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जातियां एक कान के नीचे दे दूं। विक्रम, अरे जा, मैं चला। छगन, दानी आ रहा है क्या? हाँ काका, आ तो रहा है। हाँ देख भाई, इस टाइम पार्टी में कोई लफड़ा नहीं चाहिए। हाँ। बड़ा बड़ा सेठ लोग आएगा। हाँ, और सब मेहमान लोग का बंदोबस्त जरूरी होगा। कड़ी निगरानी रखने सब पे। बिल्कुल ठीक है छगन जी। काका, तेरा ड्यूटी तो गेट पे ही होगा। ठीक है। ठीक है। नहीं, पहले ये पकड़, सब मेहमान का नाम है इसमें। इसके अलावा कोई कुत्ता नहीं अंदर घुसना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता काका। हाँ, बड़े से बड़ा सेठ होने दे, तलाशी लिए बगैर अंदर नहीं आने देने का। हो सकता है एक दो की गाली खानी पड़े, हंस के खा लेना। खा लेंगे काका। लेकिन सिर्फ हंसते मत रहना, ख्याल रहे किसी के पास हथियार नहीं होना चाहिए। हथियार सिर्फ अपने लोग के पास होगा।
पापिया। हाँ। कल रात को पार्टी है ना? हाँ तो पैन गीला हो गया? तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। कल का बात कल पूछने का ना, आज का बात आज। हाँ बोल बोल। नहीं मैं बोल रहा था अगर हम लोग कल कुछ हो गया तो क्या होगा? म्यूनसिपैलिटी वाला आएगा, तेरा बॉडी को उठाएगा, ये हॉस्पिटल में देगा, तो उधर का स्टूडेंट लोग क्या करेगा मालूम है ना? तेरा बॉडी का मत चीर फाड़ करेगा, ऐसा काटेगा। टेंशन नहीं ले लेगा, बॉडी का एहसान होगा तेरे। अरे गोटे यार, अभी मैं क्या बोला उसको? कल का बात कल बोलने का, आज नहीं बोलने का। बोला तू, सुना ना, सुना ना तू। हाँ सुना ना।